तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भाजपा के चाणक्य मिशन मरुधरा पर अमित शाह की जहाजपुर में जनसभा है आज, और उसके बाद कोटा में विजय संकल्प रैली को करेंगे संबोधित। भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में अमित शाह की जनसभा है। क्योंकि कल जिस तरह से पहले चरण का चुनाव हुआ, हालांकि अभी पूरी तरह से फाइनल डेटा आने का इंतजार सभी कर रहे हैं, लेकिन लगभग साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी इस समय जुड़ चुके हैं। योगेश जी, कल पहले चरण के चुनाव से पहले इनफैक्ट जो दूसरे अगले चरण यानी 26 अप्रैल की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी थी, लेकिन अब ज्यादा सक्रिय क्या इसलिए नजर आएंगे योगेश जी क्योंकि कल का जो वोटिंग परसेंट है, हालांकि अभी पूरा इंतजार है फाइनल डेटा का भी, लेकिन क्या उसे बैलेंस करने के लिए अभी से 13 सीटों पर और ज्यादा फोकस में भारतीय जनता पार्टी जुट रही है, और ऐसे में अमित शाह बैक टू बैक अब मिशन मरुधरा पर? जी जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ये पूरा पहला फेज जो है अपने आप में तमाम प्रयासों के बावजूद, बीजेपी की तमाम शंखनाद के बावजूद, वोटर का मन जो था वो वोटिंग के प्रति सुस्ती भरा रहा जी। और अब सेकंड चरण जो है खासतौर से बीजेपी के लिए वैसे भी थोड़ा प्लस पॉइंट की तरह देख सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर इलाकों में भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही मजबूत नेता चुनाव लड़ रहे हैं जी। और अमित शाह का जो दौरा होगा वो खास तौर से सेकंड फेज में बीजेपी के सर्वाधिक सीटें लाने की दिशा में कहा जा सकता है एक बड़ी पहल होगी। इस तरह से वो देखेंगे, समीक्षा भी करेंगे जी, तक के वो कल के मतदान और उसके बाद जो बातचीत आ रही है, जिस तरह का बना है कल के मतदान के बाद, उसकी भी समीक्षा करेंगे। और कहा जा सकता है कि प्रदेश की राजनीति में अब योगी आदित्यनाथ भी, अमित शाह भी, प्रधानमंत्री मोदी भी द्वितीय चरण में तमाम बीजेपी अपनी पूरी ताकत के साथ फिर जुटेगी, और एक कहा जा सकता है कि रणनीतिक तौर पर
साधने का काम वोटर्स को किया जाएगा। कोशिश रहेगी कि मतदान प्रतिशत को बढ़ाने की दिशा में पूरा संगठन अपनी पूरी ताकत के साथ जुटे। जैसा आपने कहा कि पहले चरण में जिस तरह की बातें सामने आई कम परसेंटेज के बाद, विपक्षी कैंप जो है उनके नेताओं के चेहरे पर मुस्कान दिखी। क्या अब सेकंड चरण में किस तरह से अमित शाह का जो दौरा होने वाला है वो एक जोश और जज्बा भरने का काम भारतीय जनता पार्टी की करेगा। और सेकंड चरण जो है जेपी बहुत महत्वपूर्ण है जी, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, केंद्रीय मंत्री बेन सिंह शेखावत, दो बड़े चेहरे तो केंद्रीय मंत्री हैं जो की प्रतिष्ठा दाव पर लगी है। भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान इकाई के अध्यक्ष सी पी जोशी दौर चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी प्रतिष्ठा दाव पर लगी है। तो ये बड़े चेहरे सेकंड चरण में आएंगे, 13 सीटें सेकंड चरण की है। बिल्कुल योगेश जी, और ऐसे भी मिशन मरुधरा पर अमित शाह लगातार विश्लेषण आप कर रहे हैं, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया अभी इस बातचीत के लिए।